महाराष्ट्र में राज्य का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने वाली कंपनी आरआरपी S4E ने अब इसराइल की कंपनी मेट्रोलाइट के साथ डिफेंस के सामान को लेकर एक बड़ा समझौता किया। इस करार के बाद पहली बार भारतीय सेनाओं को इसराइल की टेक्नोलॉजी के साथ भारत में ही डिफेंस के सामान मिलेंगे। अब आरआरपी S4E के फाउंडर चेयरमैन राजेंद्र ने ये बताया कि इस करार के तहत पूरा सामान मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा। बड़ी बात इसमें यह है कि पहली बार किसी इसराइली कंपनी ने किसी भारतीय कंपनी के साथ इस तरह के करार किए हैं। तो भारतीय सेना का इससे काफी फायदा होगा। आरआरपी S4E का बड़ा डिफेंस करार इसराइली कंपनी मेट्रोलाइट से ये करार हुआ है। अगर ये एसोसिएशन नहीं होता तो उनको साइट इजराइल भेजना पड़ता उसका और फिर उसको रिपेयर करके लाना और ये साइट जो नॉर्मल इंपोर्ट में नहीं बनता, तो इसमें क्या हुआ कि मेक इन इंडिया होते हुए सीआरपीएफ साइट हमको ही देगा, हम यहीं पे उसको असेंबल ओपन करेंगे, चेक करेंगे, कंपोनेंट रिप्लेस करेंगे, अगर रिप्लेस करने लायक हो तो या तो रिप्लेस कर ले, तो ये टाइम इतना बच गया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रेवेन्यू सेविंग आ गया गवर्नमेंट को, ये यूनिट जो भी आज मतलब उसका जो मेन यूनिट चल रहा है वो मेट्रोमोर, वो 125,000 की यूनिट है। आज 125,000 की यूनिट 12 सालों से यूज हो रहा है, उसको रिप्लेस करना है तो 112,000 नहीं लगेगा, तो यार 30,000 लगेगा, 40,000 लगेगा जो रिप्लेस करना है, जो अभी सीआरपीएफ ने बताया। तो ये बहुत बड़ा सेविंग होगा इंडियन गवर्नमेंट के लिए, और इंडियन गवर्नमेंट को अपने इंडियन सोल्जर्स को जो प्रोडक्ट मिलेगा उससे उसका लाइफ इतना कंफर्टेबल होगा, वो थोड़ा और सेफ महसूस करेगा। इसके और जो नए प्रोडक्ट आ रहे हैं सर, कोई मैच नहीं कर सकता उसको।